Hey guys, what's happening and welcome back to Forgana, another episode of Hackaday Pulkit. इस वीडियो में आज बात करेंगे फुटबॉल पोजीशंस की और समझने की कोशिश करेंगे क्या होती है फुटबॉल पोजीशंस और अलग अलग पोजीशंस का क्या होते हैं अलग अलग रूल्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटा बजा देना। अब बात करते हैं सेंट्रल मिडफील्डर की। अगर मैं आपको कुछ प्राइम एग्जाम्पल बताऊं सेंट्रल मिडफील्डर के तो है चावी, क्रूस, गुंडगन, डे ऑंग, ये सारे प्लेयर सेंट्रल मिडफील्डर होते हैं। इनका काम होता है पोजीशन रखना, बिटवीन द लाइंस पास डालना, लॉन्ग बॉल डालना विंगर्स को, स्ट्राइकर को, ताकि डायरेक्ट चांस बन सके गोल मारने का। टीम का फ्लो कैसा रहेगा ये सेंट्रल मिडफील्डर डिसाइड करता है कि भाई टीम तेज खेलेगी या रुक के खेलेगी। कोच से डायरेक्ट ऑर्डर वही लोग लेते हैं क्योंकि उनको ढंग से गेम दिखता है आगे का भी और पीछे का भी। आपने कई बार देखा होगा जावी को, गुंडगन को, वो बोलते हैं कि टीम को भी टेम्पो स्लो कर दो, थोड़ा धीरे कर दो गेम को, टेम्पो तेज कर दो। और इनका काम होता है बॉक्स के बाहर से स्क्रीमर मारना कि भाई तुम गोल पे ट्रायल हो आराम से, कोई ना कोई लग गया तो गोल हो जाएगा। अब बात करते हैं सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर की, कैम। इसके ऊपर डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम होती है, इनको इतना ट्रैक बैक नहीं करना होता, पर इक्वली अटैक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। यूजुअली टीम के 10 नंबर होते हैं, जैसे मॉड्रिक हो गया, मेसी हो गया, ये टीम का क्रिएटिव माइंड होता है। लाइन ब्रेकिंग पास डालना, अटैक स्क्रैच से क्रिएट करना, ये सब इनका काम होता है। इनका गोल में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, इनकी ड्रिबलिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, टाइट स्पेस में अच्छा ड्रिबल कर पाते हैं। पर अब ये रोल ना कम हो रहा है मॉडर्न फुटबॉल के अंदर, क्योंकि अब छोटी से छोटी टीम अच्छा स्ट्रक्चर बना के खेलती है तो आप ऐसे पेनेट्रेट नहीं करने देती हो किसी बंदे को। अब ये रोल चेंज हो गया है बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर के अंदर। बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर हो गया जैसे केविन डी ब्रुइना, फेदे वाल्वर्दे, डे ऑंग। इनका काम क्या है, ये अटैक में तो उतना पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन डिफेंस के लिए ट्रैक बैक भी करेंगे। इनकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज भी अच्छी होती है, ये अटैक को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनकी डिमांड इस वक्त बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं विंगर्स की। एक टीम में दो विंगर्स होते हैं, एक राइट फ्लैंक पे खेलता है, एक लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर खेलता है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं जिनको आप फॉलो कर सकते हो तो विनीशियस जूनियर, रफीनिया, नेमार, अर्जुन रॉबिन, रिबरी, बेल, ये सारे विंगर्स हैं। एक विंगर का काम होता है ड्रिबल करना, 1v1 बीट करना प्लेयर्स को ताकि अटैक अच्छा बना सके, अंदर क्रॉस डालना, इनसाइड पासेस डालना, असिस्ट करना और जरूरत पड़े तो गोल मारना। एक विंगर बनने के लिए आपके पास स्पेस और ट्रिकरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विंगर को छोटे स्पेस में ऑपरेट करना पड़ता है। भाई थोड़ी सी भी जगह मिली तो क्रॉस डाल दिया या काट के निकल गया और पास डाल दिया, बेसिकली कॉर्नर के पास, वहां पे बंदे ज्यादा होते हैं और स्पेस कम होती है। अब बात करते हैं स्ट्राइकर की। अब मैं आपको कुछ टॉप स्ट्राइकर बताऊं तो एरलिंग हालैंड, रूनी, रोनाल्डो जो अब खेलता है स्ट्राइकर, लेवांडोस्की, टॉरेस, टेवेस, इनका काम सिंपल है गोल मारना। पूरी की पूरी टीम तुमको बॉक्स में पास देगी और तुम्हें गोल मारना है अपने पांव से, अपने हेड से, वॉट एवर इट इज। एक होता है सेंटर फॉरवर्ड। लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि स्ट्राइकर और सेंटर फॉरवर्ड में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि लगभग दोनों की पोजीशन बहुत सेम होती है, एकदम आगे और बीच में खेलते हैं। बहुत छोटा डिफरेंस होता है, स्ट्राइकर का काम होता है गोल मारना, खत्म। उसको पास मिलेगा, वो वन टच लेगा, घूमेगा, शूट, दैट्स इट, हेडर मारेगा, दैट्स इट। पर सेंटर फॉरवर्ड का काम होता है कि वो लिंकअप प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल अपने आसपास वाले के बंदे का गेम इंप्रूव करना कि भाई उसको बॉल मिली तो क्या पता वो पास बना दे अपने अटैकिंग मिडफील्डर के लिए जो कि वो भी गोल मार दे। कंफ्यूज करने वाला गेम होता है सेंटर फॉरवर्ड का। अगर स्ट्राइकर के एग्जाम्पल थोड़े प्रिसाइसली बताऊं तो है तेवेस, एरलिंग हालैंड, टॉरेस, पर सेंटर फॉरवर्ड के एग्जाम्पल बताऊंगा तो रूनी, करीम बेंजेमा, लेवांडोस्की। एक सेंटर फॉरवर्ड असिस्ट भी कर सकता है और पास भी देता है, पर स्ट्राइकर नहीं करता। और इनमें कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ रोल की बात होती है, ऐसे कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं कि स्ट्राइकर वाला सेंटर फॉरवर्ड नहीं खेल सकता। अगर उसको रोल मिलेगा ना स्ट्राइक की पोजीशन पे सेंटर फॉरवर्ड खेलना है तो वो भी खेल लेगा वो। तो ये था हमारा फुटबॉल पोजीशन का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब तो कर ही देना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये बात तो। सो तब तक के लिए बाय।